पीपल, दिस इज शॉन तिसान एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सभी हम बात करने वाले हैं कि जो म्यूजिक क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए चीपेस्ट और बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन कौन सा होगा। तो मेरे पास है दो माइक्रोफोन जो कि कंडेंसर माइक्रोफोन है, और ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने लिए परचेज किया है, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आपका बजट नहीं है, बजट लो है, तो आप इस दो माइक को कंसिडर कर सकते हैं। और आपको अगर पसंद नहीं आता है तो इसमें रिटर्न विंडो भी होता है, आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास माइक्रोफोन है वो है पावर पैक का BM800, और दूसरा जो है सो राइट का WR800 है। इन दोनों माइक को आप कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों का जो क्वालिटी है मुझे इसके प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। और कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ एक कौन क्या होता है कि आपको इस पर फैंटम पावर यूज करना होता है, और इसका जो कॉस्ट होता है ये 18 या 1900 के अप्रॉक्स आता है। हालांकि जो ये माइक्रोफोन से दोनों माइक्रोफोन ये जो माइक्रोफोन है वो 1300 के अप्रॉक्स का है, और ये माइक्रोफोन 1400 के अप्रॉक्स का है। लेकिन इसमें आपको एक USB साउंड कार्ड देखने को मिल जाता है, मतलब कि दोनों माइक्रोफोन सेम प्राइस का है और क्वालिटी भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। तो आप दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें आपको एक साउंड कार्ड भी फ्री देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका जो बिल्ड एंड डिजाइन है थोड़ा इससे स्लाइटली बेहतर है। लेकिन इसका जो प्राइस है वो 1300 के अप्रॉक्स दोनों का प्राइस है। इसमें आपको केबल भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको एक फैंटम पावर परचेज करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी आउटपुट चाहिए तो, जिसका प्राइस आपको इस दोनों माइक से ज़्यादा है, मीन्स कि 1800 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसे अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और उसमें मैंने साउंड का सैंपल भी डाल रखा है कि कौन सा माइक ज़्यादा बेहतर है। तो आप खुद अगर जज करना चाहते हो तो उस वीडियो को भी आप कंसीडर कर सकते हो, वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, और प्लस साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उन दोनों माइक को भी कंसीडर कर सकते हो अपने खुद से जज करके कि इन दोनों में कौन आपके लिए बेहतर होगा। तो बस एक छोटा सा कंपेयर वीडियो था, और मुझे बताना था कि जो म्यूजिक क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए चीपेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, कौन सा माइक वो बेहतर परचेज कर सकते हैं। हालांकि डायनेमिक माइक की बात करें तो इसका छोटा सा माइक्रोफोन है, ये मेरे पास है रोड का स्मार्ट लैब प्लस, जिसका प्राइस अगर सारे केबल्स वगैरह को देख ले तो इसका प्राइस होता है लगभग 8000 के अप्रॉक्स। तो मैं साउंड कर रहा हूँ बोया के माइक्रोफोन का, इसका भी लैपल माइक्रोफोन है, इसका भी प्राइस जो पड़ता है वो 800 के अप्रॉक्स पड़ता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का अच्छे ब्रांड के साथ अगर जाते हैं रोड का है वो, रोड का ये प्राइस इसमें आपको आता है 18000 के अप्रॉक्स। और रोड का कंडेंसर माइक्रोफोन अगर आप लेते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो 18000 के अप्रॉक्स है। तो चीपेस्ट में मैंने माइक की बात की थी इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप रोड का भी माइक्रोफोन कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको उसको बारे में जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको अमेजोन पर जाके देख सकते हैं और उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर चीपेस्ट की बात करें तो ये दोनों माइक को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कभी कोई कंडेंसर माइक्रोफोन यूज किया है क्या, अगर किया है तो कौन सा माइक आपको ज़्यादा बेहतर लगता है चीपेस्ट और बजट में। तो और ये भी बताओ कि इस दोनों में आपको कौन सा ज़्यादा लुक वाइज पसंद आया। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के कंपेयर और अनबॉक्सिंग और टेक्नोलॉजिकल वीडियोज लेके आते रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मित्रों के नेक्स्ट क्लिप में, टिल देन गुड बाय।